स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो डिस्कशन है उसको किया गया है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में जो एप्लीकेशन है उसको फाइल किया जाता है, और आप देखिए कि अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस समय में क्या प्रोसीजर है वो अवेलेबल है रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग में, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया था, रिसेंटली उनको नोटिफाई किया गया है। हमारे जो थ्री नाइबर कंट्री हैं बांग्लादेश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ से जो माइग्रेट करने वाली सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको जो सिटीजनशिप है वो गेन कर सकते हैं इन रूल्स के थ्रू में। आप देखिए कि 31 दिसंबर 2014 को एज ए कट ऑफ डेट के रूप से रखा गया है, और सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में नेचुरलाइजेशन का भी एक प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओरिजिनल ये 11 ईयर हुआ करता था, इसको रिड्यूस करते हुए 5 ईयर कर दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स है उसके थ्रू में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है, तो इसी के पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल 11 है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 11 के अंदर में जो पार्लियामेंट है उसको हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप से बताया गया है सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं उनको फ्रेम करने के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसी पर्सन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में क्या प्रोसेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन पर्सन के द्वारा जो रिव्यू एप्लीकेशन है उसको फाइल किया जा सकता है, रिव्यू एप्लीकेशन को उनके द्वारा फाइल किया जा सकता है 30 डेज का जो समय है उसके अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि रिव्यू एप्लीकेशन को भी अगर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उन पर्सन के द्वारा जो रिट पिटीशन है उसको फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर में। तो इन सभी रूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन को किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में है, गवर्नमेंट के द्वारा जो 5 पर्सन हैं उनको भारत रत्न अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया था जनवरी फरवरी का जो मंथ है उस समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत रत्न अवार्ड्स के जो रूल्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि भारत रत्न अवार्ड्स के अंदर में बताया गया है कि 3 जो मैक्सिमम पर्सन हैं उनको 1 ईयर के अंदर में जो भारत रत्न अवार्ड है वो अनाउंस किया जा सकता है। पर 1919 के समय में आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड्स के रिगार्डिंग में ये इसका जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। उस समय में जो 4 पर्सन हैं उनको भारत रत्न के पर्सपेक्टिव से जो अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया था, और अभी आप देखिए कि 2024 के समय भी यहाँ पे 5 पर्सन हैं उनको यहाँ भारत रत्न अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट आपको जो सिविलियन अवार्ड है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1954 के समय इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है भारत रत्न को। अगर हम बात करें भारत रत्न है किसका जो रिकमेंडेशन है उसके पर्सपेक्टिव से ग्रांट किया जाता है, तो पीएम सर के द्वारा किसी भी पर्सन का जो नेम है उसको रिकमेंड किया जाएगा, वो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्या कोई मॉनेटरी सपोर्ट है वो भारत रत्न अवार्ड्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, तो स्टूडेंट्स मॉनेटरी सपोर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो प्रोवाइड है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई फॉर्मल जो प्रोविजन है यहाँ पे जो रिसिपियंट्स ऑफ भारत रत्न है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आपको कोई फॉर्मल जो प्रोविजन है वो भी नहीं देखने के लिए मिलेगा भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्या किसी बाहर के जो पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड नहीं है क्या उनको भी जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था, तो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मदर टेरेसा है वो तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंडिया का जो सिटीजनशिप है उनके द्वारा गेन कर लिया गया था, उनको भी भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान बेस एक पर्सन है जिनको कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, उनको भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और नेल्सन मंडेला नाम के जो पर्सन है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड उनको जो भारत रत्न अवार्ड है वो भी यहाँ पे दिया गया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट है, जो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा यूएपीए एक्ट के अंदर में जो चार्ज शीट है उसको फाइल किया गया है न्यूज़ क्लिक के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में इंडिया का लास्ट ईयर कितना रैंक था, क्योंकि इस साल का जो इंडेक्स है उसको मई के मंथ के समय रिलीज किया जाएगा। आप देखिए कि 2023 के समय में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का कितना रैंक था, इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आसामीज जो न्यू ईयर है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि बिहू नाम का एक डांस है, आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसी बिहू का एक पार्ट है जिसको कि हम बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स बोहाग बिहू को यहाँ पे आसामीज न्यू ईयर के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय में इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसका एक वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसके जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस है उसको कैरी आउट किया गया है बोहाग बिहू, जो आसामीज न्यू ईयर के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो आप देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया था, यह रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलती है जिसे हम इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2014 के नाम से भी जानते हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2014 का ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है स्टूडेंट्स, आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, एजुकेशन है, कोविड को भी एक वन ऑफ द फैक्टर के रूप से काउंट किया गया है। कोविड के अलावा आप देखिए कि जेंडर गैप है, एजुकेशन का क्वालिटी ना होना, पेरेंट्स का बेटर वे में एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग ना करना, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है उनका क्रिएट ना करना, ऐसे काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है 2014 को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो हायर हुआ है 2001 के पर्सपेक्टिव से यहां पे कंपेयर किया गया है 2023 के रिगार्डिंग में, तो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है जो यहां पे हायर होते हुए बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया का जो एक्सपेंशन के रिगार्डिंग में आपको काफी सारे जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक आप देखिए कि काफी ज्यादा पॉपुलर है जो सीबीडी का मीटिंग हुआ था, कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो 15 पार्टीज का जो मीटिंग होता है उसके अंदर में एक फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, जिसे कि हम कनमिंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क है उसके नाम से भी जानते हैं। आप देखिए कि कनमिंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क है, मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इसके अंदर में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिविंग हार्मनी विद द नेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें 2050-2070 तक अचीव करना है, लिविंग हार्मनी विद द नेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना है। उसके अंदर में आपको टोटल 27 जो टारगेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर जो 23 जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाएगा 2030 तक, और 23 टारगेट्स के अलावा जो 4 टारगेट्स हैं उनको 2050 तक यहाँ पे अचीव करना है इस कनमिंग जो मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी के जो फ्रेमवर्क्स है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स इसी के अंदर में आपको एक गोल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर में बेसिकली बताया गया है कि हमें जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको एक्सपेंड करना है, बट यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि उन फॉरेस्ट के एरियाज़ के अंदर में, उन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो अमेंडमेंट रूल्स हैं उनको भी लाया गया था 2023 के समय, तो अगर उन फॉरेस्ट एरिया को एक्सपेंड किया जाएगा तो वहाँ पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। इंडिया में टोटल आपको 106 जो नेशनल पार्क हैं, 106 जो नेशनल पार्क हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि 106 नेशनल पार्क्स के अंदर में टोटल 89 ऐसे पार्क हैं जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, 89 जो पार्क्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस है। अगर हम बात करें राजस्थान का तो आप देखिए कि राजस्थान के कुंभलगढ़ के अंदर में आपको एक सेंचुरी देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस है। मध्य प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि जो नुरादेही जो सेंचुरी है, नुरादेही सेंचुरी को अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो वहाँ पे भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आसाम के अंदर भी आपको जो यहाँ पे बराक नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर भी आपको देखिए कि
ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। दुधवा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पे आपको थुरू नाम के जो ट्राइबल पर्सन है वो पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो रहेगा। या इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर, क्योंकि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका नेचर के साथ में आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीडी के बारे में, तो आप देखिए कि 1992 के समय एक अर्थ समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके तीन पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से UNFCCC है, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से UNFCCC है, इसका समय समय पे जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको आप देखिए कि हम यहाँ पे UNFCCC का जो मीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मीटिंग्स को हम कोप के नाम से जानते हैं, जो कोप यहाँ पे CBD का हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 92 की जो अर्थ समिट है उसके थ्रू में। और एक आपको यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में UNCCD का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो तीन इसके विंग हैं अर्थ समिट के, जिसका जो मीटिंग्स होती हैं उनको कोप के नाम से जानते हैं। UNFCCC का कुछ कोप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे COP 21 है, पेरिस एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, इनका भी जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होता है। इसी CBD का जो 15 मीटिंग हुआ था, जिसके अंदर में ये जो कन्विंग मॉन्ट्रियल का जो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, जिसके अंदर डिस्कस किया गया कि लिविंग हार्मनी विद द नेचर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट का एरिया है उसे एक्सपेंड करना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एरिया के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइपल का, जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनके पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जो हायर इंटेंसिटी के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको एवरी ईयर देखने के लिए मिलते हैं, उनको एज ए न्यू कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया जाए, उनको कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आपको जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ज़रूर से होनी चाहिए। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन एक वेदर के फिनोमिना के रूप से देखने के लिए मिलता है, वॉर्म जो ओशियन वाटर का जो एरिया है नियर द इक्वेटर वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। नियर द इक्वेटर का जो एरिया है, नियर द इक्वेटर का जो एरिया है वहाँ पे जो वॉर्म वाटर का जो एरिया है वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। वॉर्म मॉइस्ट एयर है वो राइज करती है अवे फ्रॉम द ओशियन सरफेस और क्रिएट करती है एक लो प्रेशर का एरिया। उस लो प्रेशर के एरिया को आप देखिए कि हाई प्रेशर के एरिया से यहाँ पे फिल किया जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है एयर का। तो उसी के रिगार्डिंग में जब उसको फिल किया जाएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो यहाँ पे डेवलप होती हैं। सेंटर अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जो सेंटर है वो आपको देखिए कि काफ़ी ज़्यादा काम देखने के लिए मिलता है। सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि लो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो क्रिएट होता है, 120 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है एवरेज स्पीड आपको देखने के लिए मिलता ही है। आइसोबार्स के जो क्लोज है यहाँ पे जो ग्रेटर वेलोसिटी है, ये कुछ काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपको इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो आप देखिए कि उसके अंदर में एयर का जो यहाँ पे मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में उसका जो कुछ क्लासिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें डिप्रेशन के रिगार्डिंग में, तो 30 to 49 किलोमीटर पर आवर का जो विंड स्पीड के समय में उसको डिप्रेशन का जो नाम है वो दिया जाता है। डीप डिप्रेशन आप देखिए कि 50 to 60 है, साइक्लोनिक स्ट्रोम है, वेरी सिवियर जो साइक्लोनिक स्ट्रोम है, एक्सट्रीम एक आपको अलग से कैटेगरी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर में अबाउ 160 के आसपास का जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर का, तो उस समय में यहाँ पे जो वेरी सिवियर का जो कंडीशन है वो बताया गया है कि वेरी सिवियर जो साइक्लोनिक स्ट्रोम है वो क्रिएट हुआ है। कभी कभी आपको सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम के बारे में भी आपने रीड किया होगा, 222 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उससे हायर अगर यहाँ पे स्पीड को अचीव कर लेता है साइक्लोन के द्वारा, तो उस समय में आपको यहाँ पे जो सुपर साइक्लोनिक कंडीशंस है उसके रूप से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइक्लोनिक कंडीशंस के बारे में है, नई कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट जनवरी के समय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको एक साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में एक इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से हम उसे जानते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके द्वारा बताया गया था कि काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको जॉब के बहाने, जिनको आईटी सेक्टर के अंदर जो जॉब है उसके बहाने बुला लिया गया है, हमारे
काफ़ी सारे नाइबर कंट्रीज़ भी हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जो सिचुएटेड कंट्री हैं, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, उन एरियाज़ के अंदर में जॉब के बहाने उनको बुलाया गया, और वहाँ पे जो साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में वो इन्वॉल्व हैं फोर्सफुली, वहाँ पे उनको साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट करना होता है। स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग में कुछ पर्सनस उनको रेस्क्यू किया गया है, जो कि साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स हैं अब्रॉड के अंदर में, वहाँ से इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया। साइबर फ्रॉड के बारे में आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स हैं वो इमर्ज हुए हैं, और आप देखिए कि इसका इकोनॉमी के ऊपर कितना लॉस है, साइबर फ्रॉड का कितना इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि एक प्लेटफॉर्म है, एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर में कुछ कंटेंट के रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रंस का जो राइट्स है उसके रिगार्डिंग में आपको एक कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस राइट, उनके द्वारा यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किया गया है उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में, उसके अंदर जो एडल्ट कंटेंट है उसी के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। 2005 के समय का एक एक्ट है, 2005 के समय का एक एक्ट है जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट है 2005 के समय का। आप देखिए कि यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, राइट जो हमारा राइट टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, तो उनको यहाँ पे कवर किया जाता है इस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस राइट के द्वारा। तो आप देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस का एक्ट है, इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का जो एक्ट है 2009 का, उनको कवर किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको एक कन्वेंशन देखने के लिए मिलता है चिल्ड्रंस के राइट के रिगार्डिंग में 1992 का, जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप देखिए कि आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन के बारे में, तो आप देखिए कि जो चेयरपर्सन है उसका जो टेन्योर है वो टेन्योर आपको देखने के लिए मिलेगा 3 ईयर का टेन्योर है और 65 का एज है। अगर हम पर्सन्स के बारे में बात करें, मोर देन 2 ईयर का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, 2 बार से ज़्यादा इसका जो चेयरपर्सन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे मेंबर्स के बारे में, तो 6 मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट के अंदर में। आप देखिए कि जो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स के अंदर में एटलीस्ट आपको 2 हैं जो वुमेन्स होने चाहिए, उनके अगर हम यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात करें तो 3 ईयर और 60 का जो एज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या तो उनके द्वारा जो 3 ईयर का जो समय है वो कंप्लीट हुआ है या 60 का जो एज है वो कंप्लीट किया गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से है, श्रीलंका के जो पीएम है चाइनीज अथॉरिटीज़ से मिले हैं उस आइलैंड का जो डेप्थ का जो सिचुएशन है उसके हेल्प के रिगार्डिंग में, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिया के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि रिवर क्रूज के अंदर में कुछ इंजरी के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तिब्बत विजिट के बारे में है, नेपाल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे चाइना के साथ में जो बॉर्डर्स हैं उसके ओपनिंग के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप देखिए कि जो नेपाल है वो कंटिन्यूस चाइना के साथ में उसके जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन किए गए हैं, उनके द्वारा एक रेलवे के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपको काफ़ी बार जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें परमानेंट जो गाजा का सीज फायर है उसके रिगार्डिंग में, फ्रांस है, जॉर्डन है और इजिप्ट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये कॉल लिया गया है कि परमानेंट जो यहाँ पे जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके गाजा के अंदर में। और एशिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे है, चाइना के द्वारा कहा गया है कि जियो पॉलिटिक्स जो फाइटिंग है उसके अंदर में इन्वॉल्व ना हो। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंडर में, साउथ चाइना सी के जो नाइबर कंट्री है फिलीपाइंस और चाइना के जो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है साउथ चाइना सी के अंडर में, तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि यहाँ पे फिलीपाइंस को कंटिन्यूस डिफेंड किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि US के भी जो पॉलिटिकल पर्सन है वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के बारे में है, जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, तो आप देखिए कि कोई भी लोकेशन है, लोकेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट आज मेंशन नहीं किया गया है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।